तो दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, बहुत दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हो। मैं हर दिन, आपको पता ही होगा, अमेज़ॉन फ्लेक्स के वीडियोस बनाता रहता हूँ। मतलब इतना वीडियो बनाया है कि कोई कोई मुझे पूछता है, यार अमेज़ॉन फ्लेक्स के सिवा कुछ और है कि नहीं, कोई और डिलीवरी कंपनी है कि नहीं। लेकिन आज मैं अमेज़ॉन फ्लेक्स का और एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन फ्लेक्स, मतलब अमेज़ॉन का जो डिलीवरी बॉयज रहते हैं, उनकी आईडी कैसे बनती है ऑनलाइन, मतलब वो आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। तो आगे बने रहिए क्योंकि बहुत मज़ा आएगा, तो मैं सिखाने जा रहा हूँ तो मज़ा ही आएगा ही आएगा। और चैनल पे नए होना तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डिलीवरी से रिलेटेड और अमेज़ॉन से रिलेटेड, चाहे वो शॉपिंग की बात हो चाहे डिलीवरी की बात हो, सब डिटेल में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली अमेज़ॉन फ्लेक्स आपको पता ही है, बहुत दिन से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो उसका जो ऑनलाइन आईडी कैसे बनता है, उसका वीडियो मेरे आईडी पे नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे अटक रहा था कि इतने सारे वीडियोस होने के बाद भी मैंने ये वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो आज फाइनली मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उस दिन क्यों नहीं बनाया था, जो पहले स्टार्टिंग में, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मेरा वीडियो कौन देखेगा। मतलब तब मेरा कुछ चैनल, मतलब कुछ था ही नहीं। तो मुझे लगा था यार मेरा वीडियो कौन देखा, बना कर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अब लग रहा है यार मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत लोग हैं, चाहे एक थोड़ा क्यों ना हो, देखेंगे ही देखेंगे। इसलिए अभी लग रहा है यार ये सही टाइम है वीडियो बनाने का, तो अभी मैं बना रहा हूँ। आप सब लोग देखिए आगे मैं क्या क्या कैसे कैसे वीडियो स्टेप्स बता रहा हूँ, वैसे फॉलो कीजिए। आप भी आईडी बनाइए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सब जो भी ट्रिक्स है, मतलब आईडी कहाँ बनेगी कहाँ नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको गूगल पे टाइप करना है फ्लेक्स डॉट अमेज़ॉन डॉट इन। ओके, तो टाइप करने के बाद आप जैसे इंटर करते हो तो वो साइट आ जाएगी। ये नहीं टाइप करते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं लिंक दे देता हूँ। ओके, तो उस लिंक के मदद से आप इस साइट पर जा सकते हो। तो इसे गूगल से भी जा सकते हो, तो पहले आ जाएगा देखो फ्लेक्स डॉट अमेज़ॉन डॉट इन के बाद अमेज़ॉन फ्लेक्स का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आपकी अपनी डिटेल्स देनी है, तभी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो नीचे सब डिटेल मैं दे रहा हूँ अभी, तो आप भी अपनी डिटेल दे देना और गेट देव करके डाउनलोड करना। ओके, तो थैंक यू करके ऑप्शन आएगा लास्ट में, और डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपके पास कौन सा भी के लिए वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। जैसे कि डाउनलोड का ऑप्शन ही, यहाँ पे डाउनलोड ऐप करना है। जैसे डाउनलोड ऐप करते हो तो यह ऐसा ऑप्शन दिखेगा 98, तो यहाँ पे नीचे आपको ओके करना है। गूगल बताए कि हाँ फुल है आपके डिवाइस के लिए, फिर भी आपको ओके करना है। ये 77.77 MB का ऐप है। दोस्तों मैंने पॉज किया क्योंकि मेरे पास पहले से ही है। ओके, तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अमेज़ॉन फ्लेक्स आईडी बनाने का। तो यहाँ पे पहले देख सकते हो साइन इन इन अमेज़ॉन और क्रिएट एन अकाउंट। तो आपका अकाउंट है तो साइन इन करो, नहीं तो क्रिएट करो। तो आपका अमेज़ॉन शॉपिंग का है तो वो भी चलेगा यहाँ पे। तो मैंने मेरा पहले से, तो मैं साइन इन कर रहा हूँ। ओके, तो जो आपका अमेज़ॉन शॉपिंग का है वो यहाँ पे साइन इन कर सकते हो। अगर अमेज़ॉन पे पहली बार हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो मैंने साइन इन कर दिया है। साइन इन करने के बाद आपको एक नया विंडो खुलेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, आप कौन से लोकेशन पे डिलीवरी करना चाहते हो अमेज़ॉन के साथ, तो वो लोकेशन आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट चल रही है वो लोकेशन यहाँ पे दिखेंगे, जो जहाँ पे रिक्रूटमेंट खुल ही है और जहाँ पे अभी तक अमेज़ॉन फ्लेक्स नहीं है वो लोकेशन नहीं दिखेंगे। अगर आपका लोकेशन नहीं है तो वहाँ पे एकदम नीचे देख सकते थे कि लिस्ट माई लिस्ट माई सिटी लिस्ट नॉट हियर, ऐसे ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर आप नीचे देख सकते हो। ओके, तो एकदम नीचे देख सकते हो माई सिटी नॉट लिस्टेड है। वैसे जैसे मैंने एक अभी सेलेक्ट कर दिया है पुणे, तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देख सकता है कि आपको यहाँ क्या क्या देना है। तो आपका 18+ एज होना चाहिए, टू व्हीलर आपके पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और एक सेविंग बुक, और बाद में कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट आपको ऐसा पेज आएगा गेटिंग स्टार्टेड करके, यहाँ पे उनके टर्म एंड कंडीशंस है। ओके, तो टर्म एंड कंडीशन आप देखते जाओ ख़त्म नहीं होगी। तो मैं इसे फटाफट नीचे लेता हूँ। ओके, जैसे जैसे नीचे लेता हूँ एकदम नीचे जाके आई एग्री करना है। आई एग्री पर क्लिक करते हो, आई एक्सेप्ट करना है आपको, तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा। और जैसे एक्सेप्ट हो जाता है आपको नया विंडो खुलेगा, वहाँ पे आपको क्या देना है, आपको आपकी डिटेल्स देनी है, जैसे कि आपका नाम, लास्ट नेम, करंट एड्रेस,
उसके बाद है विलेज, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ओके, जो आपके एरिया का है वो आपको देना है, ओके। तो जो मैं फटाफट दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सब भर दिया फटाफट। तो अब मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर भी मैंने डाल दिया है। अब मैं करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे आप करते हो तो आपका हो जाता है ये स्टेप कंप्लीट। तो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आगे 6 स्टेप है। 6 स्टेप में 5 स्टेप आपको अभी करने हैं। जो छठा स्टेप है वो आपको बैकग्राउंड चेक, मतलब जा बाद में अमेज़ॉन के ऑफिस जाके ट्रेनिंग होती है उसे बोलते हो बैकग्राउंड चेक। और एक बंदा आएगा आपके घर पे, आप वही रहते हो कि चेक करने के लिए, उसे बैकग्राउंड चेक बोलते हैं, वो अमेज़ॉन करता है। तो 5 स्टेप आपको करने हैं। तो पहला स्टेप आपको GST रजिस्ट्रेशन का है, तो आपका अगर GST ID हो तो यस करो, नहीं तो नो करो, तो मैंने नो कर दिया है। सेकेंड स्टेप है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपको क्या करना है कि आपको अमेज़ॉन बोलता है कि आपका थर्ड पार्टी मतलब बाइक का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और जो अमेज़ॉन सिर्फ आपको अमेज़ॉन का काम करते हुए अगर कुछ इंजरी होती है तो ही आपको इंश्योरेंस देगा, और अगर मौत होती है तो, ओके। तो ये सेकेंड स्टेप है इंश्योरेंस। टैक्स, टैक्स क्या होता है? तो दोस्तों टैक्स मतलब आप इंडियन हो तो आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। पैन कार्ड के ऊपर वो आपका जो टैक्स होता है वो कट करते हैं 1%। तो आपका पेमेंट में से 1% टैक्स कट जाएगा हर बार, ओके। तो जब भी आपका पेमेंट होता है तो 1% टैक्स कट के आपको पेमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका पैन कार्ड नंबर डालना है और आपका सिग्नेचर में फुल नेम एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर ले तो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करते हो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा, टैक्स इंफॉर्मेशन इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से एग्जिट इंटरव्यू कर देना है। तो आपका यहाँ पे जो इंटरव्यू था टैक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। दोस्तों मैंने टैक्स को अभी एग्जिट कर ही लूँगा। तब तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर यार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन रहे हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट और वीडियोस। तो वीडियोस आपको देखने हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे पहला जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और आपको उस मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट आएगा, मतलब जो OTP रहता है वैसा, ओके। तो OTP वो यहाँ पे डालना है, तो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल लो, ओके। तो क्योंकि मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर OTP डाल सकते हो। और नेक्स्ट पेज ओपन होगा, पे नेम मतलब आपका नाम, सेविंग अकाउंट आपका नहीं तो किसी का भी दे सकते हो, मम्मी पापा किसी का भी अकाउंट नंबर, यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हो। तो आपका दे दो, नहीं मम्मी पापा का देखो। तो उसके बाद एक दो ऑप्शन है, करंट और सेविंग। तो आपका अकाउंट कौन सा है, करंट ज़्यादातर सेविंग ही रहते हैं, जो बिजनेस अकाउंट रहते हैं वो करंट रहते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपका डालना है 2 बार और IFSC कोड, और वो डालने के बाद सबमिट कर देना है। सिंपल से सबमिट करोगे तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट है वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ओके। और वीडियो ये 8 के 8 वीडियो आपको देखने हैं। यहाँ पे 8 ये जो टोटल वीडियोज़ है वो उस पर सिखाते हैं कि कैसे अमेज़ॉन के लिए आप डिलीवरी करेंगे। और दोस्तों आप क्या क्या आपको रूल्स फॉलो करने हैं अमेज़ॉन के साथ काम करते हो वो सब इस वीडियो में है। और कैसे आपको डिलीवरी करनी है, कैसे कैसे आपको कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, वो सब इस वीडियोज़ में डिटेल में बताया गया है। तो ये वीडियोज़ और डायरेक्ट डिपॉजिट का कंप्लीट कर दो तो वहाँ पे भी ग्रीन आ जाएगा, सिर्फ बैकग्राउंड चेक है वो पेंटिंग रहेगा। तो तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आप अमेज़ॉन फ्लेक्स में अप्लाई कर सकते, मतलब अमेज़ॉन के डिलीवरी बॉयज जो रहते हैं उनके ID बनाने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैंने पूरी प्रोसेस बताई। तो लास्ट का जो सेक्शन है पेंटिंग सेक्शन, मतलब बैकग्राउंड चेकिंग का जो सेक्शन है वो पेंटिंग रहेगा। तो वो कब कंप्लीट होगा, जब वो खुद वो आपको कॉल करेंगे तब कंप्लीट होगा, ओके। कॉल करके बुलाएंगे एक लोकेशन पे, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा और बाद में एक बंदा आएगा आपके घर पे, वो चेक करेगा कि आप उस घर में रहते कि नहीं रहते, उतना ही होगा फिर आपका ID चालू हो जाएगा, ओके। तो इस प्रोसेस में टोटल आपको क्या क्या ID लगेंगे, तो पैन कार्ड ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस जब आप जाओगे अमेज़ॉन के लोकेशन पे जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वहाँ पे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड लेके जाना, ओके। ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है। और रही बात बैकग्राउंड चेक की, तो बैकग्राउंड चेक के लिए ज़्यादातर बार कॉल नहीं आता उनकी तरफ से, आपको ही कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ओके, ज़्यादातर टाइम, क्योंकि अभी उनके पास इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि वो कॉल नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, सिंपली से अमेज़ॉन के एप्लीकेशन में जैसे जाओगे हेल्प ऑप्शन में जाना है और उनको कॉल सपोर्ट करके कॉल करना है, और सेकंड ऑप्शन से
क्लिक करना है और बात करके उनके साथ उनके पास से अपॉइंटमेंट ले लिया। ओके, तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। ये अभी मैंने आपको टोटल प्रोसेस बताया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। जो लिंक है अप्लाई करने का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाओ अप्लाई करो। जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट करो और क्या बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आपके भाई आपके दोस्त उनको भी पता चले कैसे अप्लाई करते हैं अमेज़न डिलीवरी बॉयज़ की आईडी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तक लिए बाय, टेक केयर।